जो दुश्मन भाव के होते हैं उनकी आदत, जैसे एक आदमी सागर का आदमी, उसके पास में घोड़ा थे, घोड़ा रथ चलाता था पुराना जमाना। एक आदमी सुबह सुबह गया, बोले भाई हमें जल्दी चलना है, 4 बजे सुबह हमें रेलवे स्टेशन पहुंचा देना। तो उसने जल्दी जल्दी 4 बजे जब वो आदमी आया, तुरंत रथ में घोड़ी को लगाया, घोड़ी का चाबुक बांधा, बैठ गया, चलने लगा। और थोड़ी दूर चले, चलाने वाला उतरे, वो डांस करे और फिर चले। थोड़ी दूर रथ चले, फिर आगे आके घोड़ी के सामने खड़ा हो जाए, वो डांस करे, फिर बैठे, फिर चले। तो जो आदमी रथ में बैठा था, बोले ऐसे तो 5 दिन में पहुंच पाएंगे, घोड़ा ये घोड़ी है, रथ है क्या आप, ये तुम बार बार उतर कर डांस क्यों करते हो, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। बोले हुजूर श्रीमान नाराज मत होइए, धोखे से जल्दी जल्दी में घोड़ी दूसरी आ गई। बोले कौन सी घोड़ी? बोले शादी विवाह वाली घोड़ी आ गई, इसकी आदत है जब तक ये डांस ना देख ले तब तक बढ़ती नहीं है। बताओ, बोले आदत है, वो आदत है तो आदत है, वो चलेगी भी तभी। तो श्रीमान ने कहा जरा चाबुक मारो। बोले खूब मार लो, इसकी आदत है, इसकी तो आदत है जब तक नांगन डांस बरातियों का देखना ले तब तक बढ़ती नहीं है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, स्वभाव तो स्वभाव है, स्वभाव कभी छोड़ता नहीं है, लेकिन मेरे पागलो बुरे लोगों का अगर ऐसा स्वभाव होता है तो संतों का भी एक स्वभाव होता है। एक बार एक महात्मा नदी में स्नान कर रहे थे, एक बिच्छू तैरते हुए जा रहा था, महात्मा ने सोचा मर जाएगा, हाथ में फिर कूद गया पानी में, महात्मा ने फिर बचाया, फिर काटा, फिर बचाया, फिर काटा, 40-50 बार बिच्छू ने डंक मारा, हाथ नीला पड़ गया। किनारे पर खड़े हुए व्यक्ति ने कहा पागल हो क्या, बुद्धिमती मारी गई, मरने दो ऐसे आदमी को, जो बार बार काटता हो, जैसे तुम बचाना चाह रहे हो वो काटता हो, मर जाने दो। महात्मा ने कहा नहीं। बोले क्यों? बोले ये बिच्छू है, जीव है, जब ये अपनी आदत काटने की नहीं छोड़ सकता तो हम महात्मा हैं, हम बचाने की आदत कैसे छोड़ दें? इसलिए मेरे पागलो आदत ऐसी डालो, आदत कैसी डालो, आदत ऐसी होनी चाहिए मुख पर प्रभु का नाम और जुबान पर प्रभु का नाम, हृदय में भक्ति होनी चाहिए।